कुछ न बने भैया तो एक रुद्राक्ष कहीं से ढूंढ लो। एक रुद्राक्ष महाराज बने तो एक मुखी से लेके 14 मुखी तक हैं, पर वहां उन्होंने ये नहीं कहा कि कौन सा धारण करोगे तो कल्याण होगा। भगवान शिव ने हाँ दूसरी कामनाओं के लिए रुद्राक्ष अलग अलग मुख के हैं, जो साक्षात भगवान सदाशिव को पाना चाहता है एक मुखी रुद्राक्ष धारण कर ले काम सफल है महाराज। 2 मुखी रुद्राक्ष को जिसने धारण कर रखा है देव सब उससे प्रसन्न हो जाते हैं। 3 मुखी रुद्राक्ष को जिसने कहीं से पा लिया और पहन लिया सारी विद्याएं दौड़ती हुई उसके पास आने लगती है महाराज। हमने तब शिव पुराण पढ़ा ही नहीं था, एक बार मिल तो गया था हमें 3 मुखी रुद्राक्ष, कुछ दिन पहना भी सही पर हम समझते ही नहीं थे, हमने सोचा 5 मुखी अच्छा होता होगा तो 3 मुखी हम दानी बने हरिश्चंद्र दूसरे को ही दे आए। बाद में पढ़ा जब पता चला अब ढूंढ ढूंढ के परेशान मिले ही नहीं रहा, उसी समय थोड़ी बहुत विद्या आ गई तो उसके बाद आना बंद ही है, जब से 3 मुखी गया खूब पढ़ते रहते भूल जाते महाराज। 3 मुखी रुद्राक्ष जिसने धारण कर लिया है सारी विद्याएं दौड़ती है उसकी तरफ, जैसे नदी की धाराएं समंदर की तरफ दौड़ती है ना, नदी की धाराएं समंदर की तरफ दौड़ती हैं, जैसे भंवरा फूल की तरफ दौड़ता है, जैसे गाय बछड़े की तरफ दौड़ती है, इसी तरह से सारी विद्याएं उसकी तरफ दौड़ती हैं जिसने 3 मुखी रुद्राक्ष को धारण कर लिया। 4 मुखी रुद्राक्ष साक्षात ब्रह्मा जी का ही चतुर्मुख ब्रह्मा का ही स्वरूप है, जिसने 4 मुखी रुद्राक्ष को धारण कर लिया उसको चारों पुरुषार्थ सिद्ध ही हैं ये विश्वास कर लेना चाहिए। 5 मुखी रुद्राक्ष साक्षात कालग्नि रुद्र का स्वरूप है, जैसे काल अग्नि में सब कुछ जल करके भस्म हो जाता है कुछ बचता नहीं है, प्रलय काल की अग्नि में सब जल करके राख हो जाता कुछ भी नहीं बचता, ऐसे जिसने 5 मुखी रुद्राक्ष को जो कालग्नि रुद्र का स्वरूप है अपने गले में धारण कर लिया है उसके सारे संचित क्रियामान और प्रारब्ध जितने तरह के अशुभ कर्म होते हैं सब जल करके ध्वस्त हो जाते हैं राख हो जाते हैं। 5 मुखी रुद्राक्ष अवेलेबल भी आसानी से है, ये भी शिव की एक करुणा ही है, उनको पता है ज्यादातर लोग पापी ही रहते हैं, पुण्यात्मा तो कोई इक्का दुक्का होएगा महाराज, ज्यादातर लोग दुनिया में पापी ही रहते हैं, इसलिए उन्होंने 1 मुखी 2 मुखी 3 मुखी और बाकी मुखी रुद्राक्ष थोड़े कम ही बनाए, उनने बाकी मुखी रुद्राक्ष के रूप में भगवान शिव कम प्रकट हुए हैं, पर 5 मुखी रुद्राक्ष के रूप में भगवान शिव सबसे ज्यादा प्रकट हैं, क्योंकि उनको पता है डिसीज वही है उसके लिए यही मेडिसिन चाहिए पड़ेगी इसलिए इसको ज्यादा बनाया है उन्होंने, वो बीमारी के हिसाब से महाराज दवाई। सब पापी रहेंगे, शृणवाम तब हितो बाले युगो अयम दारुणा कली ही तैन लुप्ता सदाचारो योग मार्ग तपांसिचा। कलयुग के प्रभाव के कारण से जीव अच्छी क्रियाओं से दूर होता चला जाएगा और बुरी क्रियाओं से जुड़ता ही चला जाएगा, ये कलयुग का प्रभाव है।